जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। आपको बता दें, मऊरानीपुर झांसी के मऊरानीपुर तहसील के तहत ग्राम पचौरा में खेतों में बोई गई फसल के दौरान खेतों से होकर डाली जा रही पेयजल लाइन से फसल के हो रहे नुकसान को लेकर किसान आक्रोशित है। किसानों ने बताया है कि खेतों से पाइप लाइन डाल रहे ठेकेदार बोई गई फसल के दौरान लाइन डालने से रोकने पर धमकाते हैं। उक्त ठेकेदार द्वारा खेतों से पाइप लाइन डालने से पूर्व मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन मुआवजे के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया गया एवं जबरन खेतों की फसल उजाड़ कर उक्त ठेकेदार पाइप लाइन डाल रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मुआवजा मिलने तक खेतों में पाइप लाइन डालने से ठेकेदारों को रोकने की मांग की है। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। कहाँ से हैं आप? पचौरा से। क्या समस्या है आपकी यहाँ पर? सर, यहाँ देखिए, नाली में ये रैंप वगैरह और ये पाइप डाल रहे हैं, इन्होंने नाला बंद कर दिया जिससे पूरा खेत में पानी जा रहा है। और इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पाइप डाल देंगे, अभी तक पाइप नहीं डाला, 2-3 महीना होने जा रहे हैं। इन्होंने अपना काम कर लिया, बस पाइप आ रहे हैं, पाइप गला देंगे चले जाएंगे, और ना ही 1 रुपया किसी के खाते में अकाउंट में 1 रुपया पैसा भी नहीं डाला किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा। इस पानी से आपका नुकसान कितना हुआ? पानी से पूरा 1-1.5-2 बीघा, पहली बात तो 1.5 बीघा जमीन ही बर्बाद कर दिया इन्होंने, पूरी मट्टी डाल के रैंप बना के, और नाले का पानी काफी पूरे आधे खेत में भर रहा है। सर, जो आपने फसल बोई थी उसकी क्या स्थिति है अभी? फसल बोई थी पूरे जानवर खा गए, कह रहे हैं कि हम तार देंगे, तार 6 महीना हो गए और पूरे चारों तरफ खाई रोड बना दिया है, तो अब जानवर आ रहे पूरी फसल खा रहे हैं। इसका विरोध करने पे कुछ? विरोध करने पे कह रहे हैं हमारी तो अथॉरिटी है और कहीं कुछ नहीं, हमने प्रधान जी से बात कर लिया है, अब प्रधान जी से हम बात करेंगे और कुछ नहीं। आप लोगों से कहीं कुछ नहीं? हमारी जमीन है तो हमारे माने कुछ नहीं, प्रधान जी सब कुछ ही है। आप लोगों को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला आज तक, 1 रुपया भी नहीं मिला। कहाँ से हैं आप? आपके यहाँ क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? ये आ रही है कि पाइप लाइन निकाल रहे हैं हमारे खेत में, तो कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तार आर मिल रहा है, रोक ले मशीन वाले को रोकते हैं तो कहते हैं हमारी गर्दन काट रही है। हम अपने खेत पे आते हैं हसिया लेके रखाने को, बेलवाई लगाने को, कछू को, तो उल्टे बोल रहा है। कितना नुकसान हो गया आप लोगों का? आपका नुकसान यहाँ से यहाँ हो गया, 2 फुट का नुकसान हो गया। आप लोगों ने मना नहीं किया? मैं मने करी है, आप बोलते हैं कि हमारे सब पैसे आदेश है। तो आप लोगों के धमकियां भी कुछ दी जाती है? धमकी देते हैं कि हम तुम जहाँ चाहे चले जाओगे, हमको पैसे आदेश है। किस जगह से हैं आप? पचौरा से। ये जो आपके यहाँ पे लाइन डाली है, क्या समस्या है इस लाइन की? इसमें समस्या सर ये है, ना कुछ मुआवजा दिया है, ना तार दिए, ना फसल का वो दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, दे देंगे कागज जमा ले लिए, कुछ ना कुछ नहीं दे रहे है। और उल्टी किसानों से और बोलते, महिलाओं से उल्टी बोलते हैं कि यहाँ जैसे खेत की बिरवाई गई, घास मार काटने हंस के लेगा तुम, हम हंस के लेके हमको काट नहीं आए, कुल्हाड़ी लेके मार नहीं आए, मार दो, ये उल्टी और बात कहते हैं आप लोगों से? हाँ, किसानों। आप लोगों की फसलें बुब चुकी हैं क्या? हाँ, बुब चुकी है, आप देख लो साहब, फसलें कुछ चल रही हैं, बुब गई हैं, कुछ भूमि बुमाई उखेड़ दी गई हैं। तो इसका नुकसान के लिए आप अधिकारी कोई जांच करने आया अभी? कोई नहीं आया, जो नक्शा बनाया इन्होंने, रोड डाला, उससे ओवर मिट्टी डाल रहे हैं। आप लोगों से क्या कहते हैं? लोग डालते हैं तो दे देंगे, हो जाएगा। और इसके जो जानवर आपका नुकसान कर रहे हैं फसल का, इसके लिए अभी क्या बोला गया? कुछ नहीं बोला है, वो तो कहते वॉचमैन लगातार आए, वॉचमैन आएगा, अभी सो गई या पीड़ी थी पिछगा में साहब। तो क्या इसको जबरदस्ती डाला जा रहा? जबरदस्ती तो डाल ही रहे, ना कुछ रीज बूझ, ना कोई सुनवाई, वो उल्टी बात और कहते हैं। यहाँ पे मऊरानीपुर क्षेत्र में हमारा जो पाइपलाइन बिना पंजी पाइपलाइन है वो गरोठा क्षेत्र में, उसके बाद मऊरानीपुर क्षेत्र में, इस समय हमारे यहाँ पे काम स्टार्ट है। यहाँ पे जो हमारी पाइपलाइन डाली जा रही है वो BPCL कंपनी के द्वारा यहाँ पे वो पाइपलाइन डाली जा रही है। हमारे कई सारे जो गांव हैं उन गांव से ये पाइपलाइन होकर के गुजरेगी, जो आगे पूरा का पूरा कानपुर में टंकी तक वहाँ तक पहुँचेगी। इस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत में जो किसानों की भूमि से जो ये पाइपलाइन जा रही है उनको यहाँ पे उसका जो मुआवजा है वो मुआवजा भी दिया जा रहा है। इस समय वर्तमान हमारे यहाँ पे
पांच गांव का जो मुआवजा है वो किसानों के जो खाते हैं उनके उसमें जा चुका है। इसके अलावा भी और भी हमारे जैसे जैसे आगे पाइपलाइन हमारी पहुंच रही है उनका जो मुआवजा है, जमीन का जो मुआवजा है और उनकी जो फसल का मुआवजा है वो उनका आकलन करके उनके खातों में तत्काल हमारी भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ जहाँ पे एक दो जगह पे चीज़ें अगर कोई ऐसी व्यवस्था आई है सामने तो उसको हम वहाँ पे डिजिटल वाली कंपनियों से हमने बात कर ली है और वहाँ पे वो अपने अधिकारी और कर्मचारी भेज करके उसका जो समस्या का निस्तारण है किसानों की समस्या का वो उसको हम यहाँ पे करवा रहे हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।